जान क्या हुआ की है पानी ला क्या छेती जा रेना पानी ला क्या पानी ला क्या रेना पानी ला क्या छेती जा जान क्या हुआ पानी पियो पानी फेंक पानी मुंह पे फेंक ना पानी मुंह पे फेंक थोड़ा भाभी भाभी उठा ना भाभी को उठा बेड पे बैठा उठ जो यार चौड़ की नमाज नहीं पढ़नी उठ जो उठ जो जोर की नमाज नहीं पढ़नी तो उठ जो उठ तीन का बच गए जोर की नमाज पढ़ो उठ के अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं जिसने सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन जाए सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे दूसरा ये बताएं कि हाँ जी क्या हाल चाल है कैसे हैं आप रोज़ा रोज़ा ठीक जा रहे हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह बताएं रोज़ा सबके ठीक जा रहे हैं नमाज़ें सब पढ़ रहे हैं रेगुलर तो बात ये है कि यार जाएं सब्सक्राइब करें अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें आप ऐसे करेंगे इससे एक बंदा मोटिवेट होता है फिर उसका हौसला नहीं टूटता वो कहता है यार मैंने डेली वीडियो डालनी ही डालनी है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें लाइक किया करें सब्सक्राइब किया करें सबसे ज़्यादा ना तो अभी देखें जहर की नमाज पढ़ी है तो अब देखते हैं कि अब क्या करना है भी हमें कभी कुछ खिलाओगी अपने हाथों से कभी नसीब होगा भी कि नहीं होगा नसीब कभी तुम कभी कहाँ हो गए आज मैं आपको अफ्तारी खिलाऊंगे कौन सा दिन आज से दो साल पुराना दिन हुए हुए बना के क्या दिया था ये भी बता दो वो पराठा और अंडा अस्तकबार पराठा पता है कौन सा था डॉन का पराठा और वो अंडा ऐसे था जैसे उसके साथ ज्यादती हुई है यार चलो छोड़ो यार जो भी बात है तुमने बना के दिया ना शुक्रा दो साल पुराना इसके मेरी शादी को मेरे ख्याल 3.5 साल हो गए हैं और ये और 3.5 साल में कोई 2 या 3 साल पहले इसने मुझे एक पराठा वो भी आर्टिफिशियल पराठा वो भी ज्यादती वाला जो बना के दिया था ऊपर से कह रही है कि मेरे से कभी उम्मीद ना रखना बहुत ना शुक्रे हो रोजा लग रहा है रोजा लग रहा है तो तुम भी रोजे को लग जाओ यार छोड़ो यार तुम जाओ यार कुछ बनाओ मेरे लिए खाने को क्या बनाओ फ्रूट चाट बनाओ पकौड़े बनाओ समोसा बनाओ सब कुछ तुम बनाओ तुमने कहा बनाना है चले डन हो गया आपने कमेंट्स में बताना है कि जी हम कुकिंग करें कि ना करें ये औरत हमेशा ये जो हमें लेट कर देती है अफ्तारी में सही अफ्तारी मतलब लेट बनाती है तो आप जो ये क्या बना रही हो जी मोहतरमा प्याज जो से है इसको आग लगाई हुई है प्याजों को क्या बना रही हो मिक्स वेजिटेबल क्या मतलब सालन बना रही हो चावल बना रही है मुझे बताओ फ्रूट चाट बना लिया हाँ जी वो मैंने बना दिया पकौड़े बनाए हैं उसका सामान रेडी हो गया बस अभी तुम टाइम देख लो 5:30 हो गए और अभी तक तुम कह रही हो मैंने पकौड़ों का सामान रखा है बस अब ये मिक्स करके फ्राई करना है और बकाया जो है वो प्याज मेरे जो गोल रिंग अनियन गोल रिंग वो भी अभी बनाने हैं प्याज निकालना है काटना है किधर है ये तो नमक है ये तो क्या है अच्छा ये अभी एक पड़ा हुआ अभी काटा भी नहीं है मतलब बस पड़ा हुआ ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा नहीं नहीं अच्छा अच्छा ठीक हो गया उसके बाद और शिकंजवी कचौड़ियाँ तो थोड़ा मैंने मंगवा ली थी समोसे पकौड़े क्रीम चाट तुमने बना लिया है बना दिया फ्रूट चाट भी बना दिया अब रह गया सिर्फ हमारे पकौड़े और खाना बस पकौड़े और खाना मैं तुम्हें एक बार बताऊं यार की जान ये कैमरे के मुंह में तो नहीं आती इसका मुंह कैमरे से बाहर निकल आता परदाना का क्या क्या नहीं जल्दी बनाओ तुम बातें छोड़ दो क्या साथ ही अपनी खूबसूरती पे आ गई हो क्या जल्दी बनाओ व्लॉग मैंने कर दिया अपलोड व्लॉग देखो अपलोड कर दिया मैंने व्लॉग हाँ जी तो क्या मतलब क्या कहना क्या चाह रही हो मुझे चलो जी क्या तैयार हुआ अभी तक कुछ हुई नहीं तैयार मुझे खजूरें दो और वो क्रीम दो मैं अपनी प्रोडक्शन की खजूरें निकाल लूं मुझे जल्दी जल्दी क्रीम पकड़ाओ आपकी खजूरें तो खत्म हो गई उसका रात को आपको बताया नहीं था मैं छोड़ो सा बहुत तंग हूँ इसको आधे रमजान में याद आ जाता है कि आए वीडियो बनाए और रोज का इसका यही काम है कि आए वीडियो बनाए ये देखें इसके काम चेक करें आप आए वीडियो बनाए मैं वीडियो बनाने वाला लगता हूँ तुम्हें
वीडियो बनाए ऐसे बनाते जाते हैं वीडियो, अच्छा लगते हैं वीडियो बनाने में। क्रीम खाली, क्रीम नहीं होती डालने वाली फ्रूट चाट में? हाँ जी मिल्क पैक वाली आ जाएगी इन पैसों में। अच्छा जी खजूरे हमने मंगवा ली हैं, खजूरे किधर, खजूरा किधर है? ये खजूरे हैं, अभी हमें इसका टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि टाइम है तकरीबन कोई 5-10 मिनट रह गए हैं पीछे, तो जल्दी जल्दी खजूरे बना लो। क्रीम भी खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 3 पैकेट का 1 पैकेट भी नहीं था आज के, 1 पैकेट में इसने बना ली, उसके बाद 1 पैकेट खत्म हो गया, इसलिए इसने नेक्स्ट टेस्ट के लिए बना। तुम जल्दी करो और मुझे छुरी पकड़ाओ, मैं खजूरे करूँ। ओके चेक करें आप जी, ये मैंने तैयार कर लिया है जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम मतलब बना चुके हैं इसको, आप खाने के लिए हम तैयार हैं। इसको हम फ्रिज में रखने का अब टाइम नहीं है कि फ्रिज में नहीं रख सकते, छोड़ दो यार टिकटॉक की जान, कोई अल्लाह तौबा करो भैया, आखिरी मोमेंट्स होते हैं, जो भी दुआ मांगो कबूल होती है, अल्लाह से मांग लो कुछ जो भी मांगना है, मुझे मांग लो अल्लाह से मांग लो, दुआ मांग लो, रोजे धारो खुलने तो दे, मैं कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट्स होते हैं, छोड़ दो इसकी जान, उसमें आप जो भी दुआ मांगो आपकी कबूल होती है, इसलिए आप दुआ क्यों नहीं मांग रही? मैं दिल से सुन रही थी। दुआ मांगे आप बड़ी जल्दी जल्दी से, चलो जी जल्दी बना लो, क्या बना अभी तक यार, एक तो हर टाइम लेट 5 मिनट रह गए और अभी तक जोन सा उसने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही यार, प्याज अभी तक नहीं बनाए यार, मैं क्या करूँ, मैंने मैं परेशान हो गया हूँ यार। इरा किधर गई हो, क्या कर रही हो इरा जी, क्या कर रही हो? ये देखें हमारी क्रीम चाट भी आ गई है, अभी हम बहुत मेहनत में भूख बोल लगी है, मैं क्या बताऊँ, मुझे रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है, आई हैव नो वर्ड्स। नन्हो क्या बात है, देखें ये बच्चा भी आ गया है हमारे पास, और ये हमारे लवाजमात भी सारे तैयार हो गए हैं बिल्कुल, और जल्दी कर लें जी, बाकी हमारा सारा सामान तकरीबन रेडी हो ही गया है, अफरा तफरी का आलम बना हुआ हमारे घर में, जैसे लग रहा है किचन में एक जंग हो रही है और जंग का माहौल बना हुआ है, और बंदे को अफरा तफरी पड़ी हुई है, जल्दी करो इस टाइम भाई हर किचन में ऐसा होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बात है, हर किचन में ऐसा ही होता है। तो ये देखे हमारी जो है हमने मामलात काफी अच्छे रखे हैं, जिस जिसने इफ्तारी करनी है कमेंट में जल्दी हमें ना मैसेज करें कि हमने इफ्तारी करनी है, तो हमें आप बुलाएं तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोजा खुल गया है, दुआ कर ले सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम लोग भी खोलो, रोजा छोड़ दो सारे काम। ये देखें ये औरत कह रही थी मेरा मुंह नहीं दिखाते, अपना ही मुंह दिखाते रहते, इसलिए मैंने इसका भी मुंह दिखाया, तुम भी आगे से कुछ कर दो अब, मजा आया। चलो भाई तुम लोग भी खोल लो यार, रोजा छोड़ दो, रोजा मकड़ू हो जाता है फौरन यार, रोजा खोलो सारे काम छोड़ के रोजा खोला करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने इफ्तारी कर ली है जी, अल्लाह तआला करोड़ करोड़ बड़े शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब इफ्तारी कर ली है, अब नमाज मुझ पढ़ लें, मगरिब की नमाज पढ़नी है जो कि पढ़नी है, पढ़ लें फिर। 1000 years later अच्छा तो आप ये देखें ये सुफयान आ गया है, ये पिस्तौल है हमारे पास, बड़ी हैवी गन है, ये हमने अमेरिका से इम्पोर्ट की है खुद ही, बेशक ना आप वेबसाइट पर जाकर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये फरदाना इसने साला नहीं बनाया, तो अभी इसको इसका हम पूरा फ़ायदा देंगे, इस पिस्टल का सजा मिलेगी, खड़ी हो या हैंड्स अप, इसमें शरे की ऐसे लगेंगे ना तुम्हें पता लग जाएगा, शरे हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, तुम्हें मैंने कहा हाथ ऊपर करो, हाथ नहीं ऊपर कर रही फिर, अब मैं हाथ कैसे खड़े कर रही हूं, हां खड़े करो ना हाथ ऊपर करो, कोफ्ते बनाने कि नहीं बनाने, आज तो नहीं तो सुबह बना दूंगी, सुबह ना डालनी नहीं भाई, चल तैयार हो गया हूं, बड़ा हैवी वजन लगा बड़ा, मैं मारने लगो देखो तुम्हें क्या होता है, मतलब ओए मैं मारने लगो यार तुम दे ये ए ए दुस अच्छा तो गाइस आप देखे टूटा हुआ है इन्हें सारा ही पता है, जान के ड्रामे बाजियां कर दी ब्लॉग च, नहीं 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 सच्ची मुझे लगा डूस डूस डूस
तो अभी हम सुफियान का इंटरव्यू लेने लगे हैं कि सुफियान साहब अफतारी में क्या क्या करते हैं, सुफियान की जबानी अभी हम सुनेंगे। हाँ जी बताएं, बताएं ना क्या करते हो अफतारी में, बताओ सबसे पहले। खजूर। उसके बाद उसके बाद क्या करते हो? स्ट्रॉबेरी का मिल्कशेक। अभी आपने अपने मुंह से बताया था माय फेवरेट, वो माय फेवरेट वाला जो अल्फाज है वो अगर आप सुना दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। चकोड़ी। कहता माय फेवरेट चकोड़ी। कोई बात नहीं। और उसके अलावा और बताएं, चकोड़ी के साथ साथ और क्या खाते? चटनी खाते? नहीं, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट चाहिए। हो गया। चकोड़ी खाता भाई, जो जो चकोड़ी खाता है वो कमेंट्स में हमें नीचे लिख के बताया, चकोड़ी लिख के क्या मैं चकोड़ी बहुत शौक से खाता हूँ या खाती हूँ। इरा ये क्या कर रही हो? क्या मतलब? क्या जान क्या हुआ? पानी लग गया छेती जा, पानी लग गया छेती जा। जान क्या हुआ? पानी पियो, पानी पानी मुंह पे फेंक ना, पानी मुंह पे फेंक थोड़ा। भाभी भाभी उठा ना, भाभी को उठा, बेड पे बैठा, बेड पे उठा, रहना उठा भाभी को, उठाओ उठाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं है, आओ उठ काट, अरे हाथ मार। ये पानी पिला रहे हैं ना भाभी को, मुंह पे पानी मार। होश आया? हाथ मार, हाथ मार, हाथ। भाभी की है की सी? पता नहीं, मैं तो इधर आई हूँ तो बेहोश भी पड़ी थी। मैंने क्या बोली सी? नहीं सही। उठा के ना बेड पे उठाओ, उठा भाभी को, उठाओ रे ना भाभी को, उठाओ उठाओ उठाओ। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। होश क्या? इधर आ, होश कर। हाँ की उठा के बैठाओ ना यार। ओए उतर, उतर कर, ऊपर का ना उठा के सामने बैठाओ, टेक लगाओ। होश करो, होश करो, पानी, होश करो, पानी पिलाओ भाभी को, पानी, पानी, होश आई, होश आई, पानी पिया, पानी ले, पानी। क्या हुआ था? तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। गाड़ी काट के आओ, चलो गाड़ी निकालो यार। मुंह पे क्या कर रहे पे ने लाल लाल, ये क्या हुआ मुंह पे? रेडनेस क्यों हुई है? चल तू बाजी दी लता को ऐसे जड़ा करी देगा। क्यों ऐसी वही हाथ, हाथ भी इसके ठंडे पड़े हैं। अच्छा ला डॉक्टर से लेके चले यार, गाड़ी की चाबी यार लेके आओ। मैं कहता हूँ यार डॉक्टर को लेके जाना पड़ेगा, मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटल ले जाता हूँ, कोई बात नहीं हॉस्पिटल चले जाते हैं। नहीं ठीक हूँ मैम, ब्लैक हेड निकालते हुए शीशे में स्टिल देख रही थी, अचानक बाहर आई गिर गई। तो दुध शुद मंगवा फिर हॉस्पिटल, मैं तो कह तो ले जाता हूँ तो अच्छा है, एक दिन का चेकअप वगैरह हो जाएगा। चलो फिर तुम आराम रूम करो ना, तुम फिर लेटो, लाइट लूट बंद करो, सोती है फिर तुम आराम करो, लाइट लूट बंद करो। कुछ चीज चाहिए तो बताओ फिर। हाँ, कुछ चीज चाहिए, कुछ खाना पीना तो बताओ, है कुछ खाना पीना? ब्लॉग मुझे नहीं पता था ऑन है, मैंने अभी फोन पकड़ा तो मैंने देखा ब्लॉग उसने पूरा बन गया। हम क्योंकि ब्लॉग ही बना रहे थे, जो तुम हुआ ब्लॉग तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना इस लेकिन वो ब्लॉग हम बना रहे थे ना, इस वजह से फैन बना रहे थे, इसके पास फोन था। बाकी तुम आराम करो, क्या खाना पीना मुझे बताओ। है हाँ खाना बन गया, बाहर आके खाना किधर ही बैठोगे? अभी इधर ही हो। चलो ठीक है, खाना फरजाना बाजी का खाना ले गया तो बाजी नु आराम करने दे, इरहा को भी ले आओ ना, बाजी को आराम करने दे।
ये ना मुझे पहले भी कह रहे थे इसकी रिपेयर जोन से है ना खराब थी। तो इसी के साथ हम करें व्लॉग का दिन, चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर लें लाइक, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। ये ऐसा था नहीं, मतलब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, रियली हो गया, मतलब ना व्लॉग ऑन था, जिसने वो मुझे कह भी दी थी कि आपको व्लॉग की पड़ी है। तो बहरहाल जो भी है अल्लाह उसको सेहत दे, आप दुआ करें कमेंट में जो सा आमीन करें, दुआ लिखें और इस तरह ही हमारे साथ प्यार करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।